हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुहाडे लिए एक बहुत ही अनोखा ते जबरदस्त टॉपिक लेके आया हाँ। जेकर मैं कहाँ कि दुनिया के एक कोने ते बैठा व्यक्ति दुनिया के किसी दूजे कोने ते बैठे व्यक्ति नाल आमो सामने गल्लां कर सकता है, तो तुसी कहोगे कि यह कोई नवी गल नहीं, वीडियो कॉल दे राही यह संभव है। पर जेकर मैं कहाँ कि वह दोवें व्यक्ति दूर बैठे हुए ही एक दूजे नूं जफ्फी पा के मिल सकते ने, हथ मिला सकते ने, इतों तक कि दोवें इकट्ठे मार्केट जाके शॉपिंग कर सकते ने, तो तुसी कहोगे लगता अज कोई नशा करके वीडियो बना रहा है। पर दोस्तों, यही आने वाला भविख है, यही आने वाली दुनिया है। ये बिल्कुल उवें सच है जिवें जेकर अज तो 30-40 साल पहला कोई व्यक्ति कहता कि दुनिया के वक् वक् कोने के बैठे हुए व्यक्ति एक निके जे डिवाइस नाल ही आपस च गल्लां कर सकते हैं, तो उस वेले किसी ने भी उसकी गल का यकीन नहीं करना सी। पर अज सानू सारयां नूं पता है कि असी एक छोटे जे मोबाइल के राही किते भी किसी भी वेले किसी दे नाल ही गल कर सकते हैं, चाहे वह किन्नी भी दूर क्यों ना बैठा होवे। बिल्कुल इसे तरह तुसी आने वाले समय में अपने कैनेडा बैठे दोस्त नाल तुसी आपदे इंडिया घर बैठे हुए ही जफ्फी पा सकोगे, उस दे नाल हथ मिला सकोगे ते उस दे नाल एंजॉय कर सकोगे। ये सब कुछ संभव होएगा मैटावर्स नाल। तां आओ जानते हाँ कि मैटावर्स की है। जे मैटावर्स के शब्दी अर्थ की गल करिए तो मैटावर्स दो शब्दों के मेल तो बनया है, मैटा प्लस वर्स। मैटा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बियॉन्ड, परे, वखरा, अलग, ते वर्स जो है वो यूनिवर्स यानी कि संसार तो बनया होया। तो मैटावर्स तो भाव है एक परे का संसार, एक अलग ही दुनिया, एक अजही दुनिया जिस विच आपां कुछ टैक्नोलॉजी वरतते हुए एंटर हो सकते हैं, जिस विच वख-वख तरह की टैक्नोलॉजी वरतते हुए एक आभासी नकली या एक डिजिटल दुनिया सिरजी जाएगी, जिस दे विच असीं कुछ गैजेट पा के उस दे विच एंटर हो सकांगे। जिवें पहला 3D मूवीज आईयां जिन्हां नूं असीं एक खास तरह के चश्मे पा के देख सकते सी, ते उदों ऐ लगदा सी कि जिवें असीं मूवी दे बिल्कुल विच ही वड़ गए होईए, ते जिहड़े एक्टर ने उह साडे आले दुआले ही एक्टिंग कर रहे होण। फिर आई वर्चुअल रियलिटी जिस विच वख-वख तरह दीआं गेम्स आईयां जो वर्चुअल रियलिटी ते आधारित सी, ते उन्हां दा एक्सपीरियंस खेडिया ही बनता सी। ते हुण वारी आई है मैटावर्स की, एक होर स्टैप अगे वर्चुअल रियलिटी तो भी। मैटावर्स शब्द की वरतों सब तो पहला 1992 नील स्टीफनसन के लिखे हुए नावल स्नो क्रैश विच कीती गई। फिर उस तो बाद 2003 द सैकेंड लाइफ गेम आई जिस विच असली दुनिया की एक नकल सिरजी गई, जिस विच साडा अवतार या करैक्टर, अवतार तो मतलब साडा एक डिजिटल रूप उस दुनिया दे विच विचर सकदा सी, अते उस दे अंदर वख-वख इंसानां दे नाल गलबात कर सकदा सी, उन्हां नाल इंटरैक्शन कर सकदा सी। फिर होर भी वाधू वर्चुअल रियलिटी वालियां गेम्स आईयां जिन्हां विच असीं वख-वख डिजिटल चीज़ां जिवें गन, कपड़े, मकान वगैरह खरीद सकदे सी। यही शुरुआत है मैटावर्स की। मैटावर्स विच असीं खुद उस गेम विच दाखिल हो सकांगे, कुछ खास कपड़े या गैजेट्स पा के ते आपदे विरोधियों दे नाल लड़ सकांगे। आने वाले भविख में पढ़ाई, हस्पताल, शॉपिंग मॉल, स्टडी सेंटर ते होर जो सब कुछ असली दुनिया विच है वह सब कुछ मैटावर्स विच होवेगा। बल्कि मैटावर्स विच वह सब भी संभव होएगा जो असली दुनिया ते संभव नहीं हो सकता। जिवें असी मैटावर्स दे विच मंगल ग्रह की यात्रा कर सकांगे, मैटावर्स दे विच ही असी समुंदर की गहराइयां तक जा सकांगे, मैटावर्स दे विच ही असी कोई जमीन खरीद सकांगे। हुण तुसीं सोचोगे कि मैटावर्स विच जमीन खरीदण दा की फायदा, ते जे मैटावर्स च जमीन खरीदनी है तां असीं किस करंसी विच खरीदांगे, तां ओह होएगी क्रिप्टो करंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करंसी एक डिजिटल करंसी। जेकर तुहानूं क्रिप्टो करंसी बारे नहीं पता तां उस बारे भी मैं एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। मैटावर्स विच लैंड खरीदण दा इह फायदा होएगा कि उस लैंड नूं असीं किसी नूं रेंट ते दे सकदे हां या उत्थे आपदा घर बना सकदे हां जिथे साडा डिजिटल अवतार रहेगा, या फिर उस लैंड दे टुकड़े ते असीं आपदा कोई शॉपिंग कंपलैक्स बना सकांगे, यानी कि उह सब कुछ कर सकांगे जो असली दुनिया विच करदे हां। ते इहदे सब दे लई सानूं क्रिप्टो करंसी की नॉलेज होनी चाहीदी है, NFT की ते ब्लॉकचेन की, क्योंकि जो भी असी ट्रांजैक्शन करांगे वो क्रिप्टो करंसी विच होएगी ते उसका सारा लेखा जोखा ब्लॉकचेन ते होएगा। ते NFT एक तरह का टोकन होएगा जिदे नाल असी आपदी किसी भी चीज़ की मालकियत शो कर सकते होवांगे। हुण ये ब्लॉकचेन ते NFT की है, उहदे बारे भी जो वीडियो है उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। वैसे अजकल भी मैटावर्स विच बहुत सारे लाइव कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜੋੜੇ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਟਾਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਟਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਟਾਵਰਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।